नाम में टला कानपुर देहात जैसा हादसा, महिला ने खुद लगाई झोपड़ी में आग, जाने पूरा मामला। एडीएम नरेंद्र सिंह व एसडीएम हसनगंज अंकित शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार की। डीएम अपूर्वा दुबे ने मामले की एसडीएम हसनगंज अंकित शुक्ला से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। UMNAO उन्नाव यूपी के उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर पक्का निर्माण करा रही महिला को प्रशासनिक अधिकारियों की टीम रोकने पहुंची। महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए अधिकारियों के सामने घर के बाहरी हिस्से पर बांस के टट्टर पर पड़े तिरपाल में आग लगाते हुए खुद पर डीजल उड़ेल लिया और आत्महत्या की धमकी देते हुए हंगामा करने लगी। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में महिला द्वारा आग लगाने से हड़कंप मच गया। महिला के कदम से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। पुलिस कर्मियों व अधिकारियों ने महिला को सुरक्षित बचाया। दरअसल उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के इटकुटी ग्राम में पंचायत के मजरे तिलियानी गाँव के रहने वाले अजय प्रजापति सड़क किनारे की ग्राम सभा की बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर 40 सालों से परिवार के साथ रह रहे हैं। अजय को पीएम आवास योजना के तहत सरकारी आवास मिला है, जिसका निर्णय कब्जे की भूमि पर करा रहे हैं। अवैध कब्जे की शिकायत तहसील समाधान दिवस में होने पर लेखपाल व नायब तहसीलदार मनोज अवस्थी जांच के लिए पहुंच गए। इस दौरान अजय व उसकी पत्नी रानी ने प्रशासनिक अधिकारियों का विरोध कर दिया और हंगामा कर दिया। महिला रानी ने अफसरों पर दबाव बनाने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए घर के बाहरी हिस्से पर रखे बांस के टट्टर में बंधी तिरपाल में आग लगा दी और खुद पर डीजल उड़ेल दिया और आत्मदाह का प्रयास किया। महिला का आरोप, अफसरों की मौजूदगी में आग लगाने वाली खुद व आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला रानी ने बताया कि उसने खुद आग लगाई है। कहा कि अधिकारी कह रहे थे कि यहाँ से हटाओ, जबकि हमारी दुकान है, दुकान का 2 लाख का कर्ज है, हमारी 2 बेटियाँ हैं, घर नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे, इसलिए हम मरना चाहते हैं। हमारा यहाँ 40 साल से कब्जा है, जिसे लेखपाल व कानून को हटवाने आए थे। डीएम ने 24 घंटे में तलब की रिपोर्ट। वहीं देर रात एडीएम नरेंद्र सिंह व एसडीएम हसनगंज अंकित शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार की। डीएम अपूर्वा दुबे ने मामले की एसडीएम हसनगंज अंकित शुक्ला से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। घटना के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वहीं एडीएम नरेंद्र सिंह ने बताया कि तिलियानी गांव के रहने वाले अजय को आवास मिला है। आवास को उन्होंने बनाया है, इनमें शिकायत की गई थी कि ग्राम सभा की जमीन पर बना हुआ है। तहसील प्रशासन से नायब तहसीलदार कानून गो लेखपाल आए थे, समझा रहे थे कि कब्जा हटा लो। इस दौरान अजय की पत्नी रानी आवेश में आ गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता की गरीबी को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एडीएम ने कहा कि सरकारी आवास आवंटन की विकास विभाग से जांच कराएंगे।